अभी हम उठे, चाय पिया, स्टेशन पे थोड़ी गेड़ी मारी, फिर अब आपको अपडेट कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे जर्नी कंटिन्यू होती है तो आपको भी बताते रहेंगे। मजा तो बहुत आ रहा है भाई, हमको आ रहा है कि नहीं? अरे तगड़े वाला है, बस नींद भी आ रही है लेकिन बैंगर वाली उठ के आ रहे हैं। संपर्क क्रांति यानी कि दो शहरों के बीच में संपर्क लाने वाली क्रांति, तो ये है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच में ट्रेवल करती है, जिसका ट्रेन नंबर है 12907। हम सफर करने वाले हैं महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की बोरीवली स्टेशन से लेकर के दिल्ली। जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं बेसिकली संपर्क क्रांति, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, तो इस ट्रेन की जो सबसे खासियत है वो है इसकी नॉन स्टॉप रन। अभी यहाँ से बोरीवली से निकल चुकी है 5:15 को और ये जो है सीधा रुकेगी अब वडोदरा में, जो कि 6 घंटे का नॉन स्टॉप रन है। उसके बाद कोटा रुकेगी 7 घंटे के नॉन स्टॉप रन के बाद, और फिर कोटा से दिल्ली के बीच में मोर देन 7 आवर्स का कंटिन्यूस रन है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के कोचेस, टाइमिंग्स और फेयर्स के बारे में। तो इस ट्रेन में है 3 जनरल कोचेस, 2 जनरेटर कोचेस। जनरल कोचेस की प्राइस है अराउंड 275 रुपीज़, और इसमें है 10 नॉन AC स्लीपर कोचेस जिनकी कॉस्टिंग है रफली अराउंड 475 रुपीज़। फिर इसमें है 5 AC 3 टायर जिसकी कॉस्टिंग है 1555 रुपीज़, और इसमें है 1 सेकेंड AC यानी AC 2 टायर कोच जिसकी कॉस्टिंग है अराउंड 2200 रुपीज़। इस प्राइजेस में बेडिंग इंक्लूडेड है लेकिन फूड इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस ट्रेन में एक पैंट्री कार भी है। ये मुंबई से चलती है एज 12907 शाम के 4:30 बजे, और आप अगले दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे 1:45 के आसपास। दिल्ली से चलती है एज 12908 रात के 9:35 पे, और आप अगले दिन मुंबई पहुंच जाएंगे 4:35। Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control. I'm focused on you baby, lately you've been in my aim. I've been reaching out for you and still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror. अभी बज रहे 8:30 और बड़ोदरा पहुंचने में हम भी 2.5 घंटे हैं। जर्नी तो अब तक तो सही है यार, सब कुछ कमाल चल रहा है। मतलब ठंड बहुत लग रही है, गर्मी का मौसम पहले ही है बट ठंड तो लग रही है। और कमाल की चीज़ ये है कि मतलब इंस्पेक्शन वगैरह सही चल रही है, हाइजीन की तो क्लीनलीनेस भी काफ़ी अच्छा है, और पेंट्री में भी गए थे वहाँ पे भी ठीक तरीके से खाना बन रहा है। और अभी 11 बजे वडोदरा में ही डिनर करने का प्लान है। पेट पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि तो ये हमारा सेकंड हॉल्ट जो है वडोदरा स्टेशन फॉर BRC। ये जगह फेमस है अपने पैलेसेस के लिए और पार्क्स के लिए, और यहाँ पर आके आप यहाँ का ढोकला नहीं मिस कर सकते। अगर आपकी ट्रेन सूरत वगैरह स्किप करती है तो गुजरात आया और ढोकला नहीं खाए तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हम भी ढूंढते हैं ढोकला, अगर मिलता है तो हम भी एंजॉय करते हैं, और अभी डिनर भी करने का यहीं पे प्लान है। सो लेट्स सी। Now you make me smile, oh baby, how you make me smile. चल ढोकला उकला तो मिला नहीं, बट समोसा से काम चलाना पड़ रहा है फिलहाल। समोसा दाल वड़ा, दाल वड़ा जो मिल रहा है उससे ही खाना पड़ेगा, पेट भरना है आखिर। तो ये लगता है कि रुक रही है अब, लेकिन स्टेशन पे आ चुका है, ट्रेन ऑन टाइम है और ऑन टाइम निकल रही है, तो होपफुली टाइम पे पहुंच जाए। तो
अब बज रहे हैं रात के 1 और अगला स्टेशन आएगा कोटा, जो कि आएगा 6:20 के आसपास। तो देखते हैं, वहाँ आग खुली तो आपको वो स्टेशन ज़रूर दिखाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कैसी जर्नी जाती है। अब तो फिलहाल काफ़ी थक गए हैं, तो लेट्स सी, मिलते हैं आपसे डे 2 में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये है डे 2। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के कोटा स्टेशन पे। स्टेशन कोड है KOTA। बेसिकली कोटा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फेमस है और जर्नी तो अब तक तो काफी अच्छी रही। बस ट्रेन हमारी 10 मिनट पहले आ गई, तो इसका टाइम शेड्यूल टाइम था 6:10 का, ये 6:00 आ गई। अब 6:30 बजे मतलब पूरा आधे घंटे का इसका हॉल्ट मिला है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मोस्टली ये टाइम पे पहुंच जाती है, तो अब देखते हैं निजामुद्दीन कितने बजे निकलते हैं नहीं निकलते हैं। अभी हम उठे, चाय पिया, स्टेशन पे थोड़ी गेड़ी मारी, फिर अब आपको अपडेट कर रहे हैं और फिर जैसे जैसे जर्नी कंटिन्यू होती है तो आपको भी बताते रहेंगे। मज़ा तो बहुत आ रहा है भैया, हमको आ रहा है कि नहीं? अरे तगड़े वाला, बस नींद भी आ रही है लेकिन बैंकर वाली उठ के आ रहे हैं। थोड़ा देख रहे हैं सुबह हो गई, क्योंकि इसके बाद अब कोई हॉल्ट होने वाला नहीं है। हाँ, तो हमने चाय आर्डर लगी है तो कर लेते हैं। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं निजामुद्दीन आउटर पे खड़े हैं। ट्रेन का टाइम 1:45 का और बज रहे हैं 1:20, तो जल्दी आ गई है। और ये ट्रेन की मेरे को यही आदत पसंद है कि ये हमेशा जल्दी पहुंचती है, बस ये इसका भी है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि गर्मी, भाई साहब जो गर्मी पड़ रही है ना, मतलब एसी के बाहर हम लोग रह ही नहीं पा रहे। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NZM, और हमने अराउंड 1300 से 1400 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर लिया है मुंबई से अब तक। और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा, एसी वैसी सब सही चल रही थी। थोड़ी सी अब गर्मी का एहसास हो रहा है क्योंकि अब एसी बस से बाहर आ चुके हैं। और मेन जो दिक्कत नहीं बोलेंगे, एक्चुअली जो खासियत है इस ट्रेन की, ये ट्रेन जो है नॉन स्टॉप चलती है, तो अगर आप ट्रेन का खाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत नहीं, बस इन द सेंस आपको पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा उस हिसाब से, या फिर आप घर से खाना ला ही सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। और ऐसी और वीडियोस हम फ्यूचर में लाने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी, काफी सारी ट्रेन जर्नीज कवर करने वाले, ऐसे काफी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और आप क्या देखना चाहते हो कॉमेंट करके आप जरूर से बता सकते हो, क्योंकि हम और ये नया टाइप का कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताना। चलो दैट्स इट गाइस, बाय बाय।